तो साथियों आ गई है आपकी फिर से एक नई मंकी फन वीडियो। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में। जय श्री राम साथियों। साथियों तो आ गई है आज की एकदम से टॉप से भी टॉप वीडियो। वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही डैशिंग है। इसमें जो बंदरों का सर्कस, बंदरों की कॉमेडी, बंदरों की फाइट, एवरी थिंग इज अवेलेबल इन दिस वीडियो। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू। सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे साथियों आप मंकीज बेबी के आप फन देखिए। कुछ जो हैं उधर कचरे के डिब्बे में बैठे हुए हैं, कुछ जो हैं उधर तार के केबल में मस्ती कर रहे हैं, और कुछ ने इधर जो है मूंगफली खाने का प्लान कर लिया था। और ये यहाँ पे मूंगफली एक बाबा थे जिनके पास ये मूंगफली थी, वो उनसे जो है एक बंदर ने मूंगफली छीन ली, और मूंगफली छीनने के बाद सभी एकत्रित होकर एक जगह आकर मतलब खाना शुरू कर दिया। और जैसे ही कोई आता था तो ये तुरंत उधर से भाग जाते थे, बाकी टाइम वहीं पे खाना शुरू करते थे। और फिर उसके बाद में ये जो मंकीज बेबी हैं, जितने भी, अच्छा ये साथियों मैं बताना चाहूँगा, जितने भी ये मंकीज बेबी हैं, ये इनका लुक जो है एकदम से इनोसेंट वाला लगता है, इनोसेंट वाला। लेकिन आप इन्हें इनोसेंट समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये जितने इनोसेंट दिखते हैं उतने ही डेंजरस हो सकते हैं आपके लिए। क्योंकि ये कभी भी आप अगर इनको टच भी करेंगे तो ये सीधा काटना शुरू करते हैं, और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ सीधा काटेंगे आपको, मैं पक्का बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, ये इनकी पकड़ने की क्षमता हाथ और पैर दोनों साइड से होती है, तो ये हाथ से भी आपको पकड़ेंगे और पैर से भी पकड़ेंगे और मुँह से काटेंगे। तो इनके पास जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, खिला पिला दो, खिलाने पिलाने के समय में आप जब तक इन्हें खिलाते रहोगे तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आप इनके पास जाओगे ये आपको मुंह फैला के एकदम से आपको डराने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको वहाँ पे डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बंदर जो हैं सिर्फ डराने वाले हैं। अगर आप डर गए इन्हें तो ये जो हैं आपको भगा लेंगे, और अगर आपने मतलब बाप नहीं डरे तो ये खुद ही भाग जाएंगे, ये पक्का, ये सही बात है। तो साथियों वीडियो को लास्ट तक देखना, इसी तरीके से बहुत ज़्यादा फन है इस वीडियो में, बहुत मज़े हैं। आज इस वीडियो को मैंने बहुत बहुत नज़दीक से इस वीडियो को क्रिएट करा है, इस वीडियो को बनाया है, बहुत ही नज़दीक से इनकी वीडियो बना रहा था मैं। ये जो है बंदर अपने सब खाने में मस्त थे, यहाँ पर काफ़ी मूँगफलियाँ पड़ी हुई थी, जितने बंदर थे इन सभी ने सब खा डाली हैं, और अब जो कुछ भी बचा पड़ा है वो भी इनके अगर खाने के योग्य है तो वो ये खाने में लगे हुए हैं। साथियों मैं हर रोज़ एक आपके लिए मंकी फन वीडियो लेके आता हूँ आपको एंटरटेन करने के लिए। सोचता हूँ हर रोज़ एक अच्छी सी अच्छी नई सी नई वीडियो मिले, लेकिन जितनी मिल पाती है उतनी आप सबके लिए लेके आता हूँ। साथियों क्या है ना कि सबका मतलब अपना अपना हर एक कार्य होता है, तो उसी में मैं भी कहीं ना कहीं व्यस्त रहता हूं, लेकिन फिर भी इतना समय निकाल लेता हूं कि एक वीडियो आपके लिए लेके आऊं। तो साथियों ये पेड़ है, और यहां पे हर पेड़ पे आपको एक बंदर मिलेगा, हर पेड़ पे एक बंदर मिलेगा, और पेड़ के पड़ोस में जो बिल्डिंग है इन्हीं बिल्डिंगों की छत पे ये निकल जाते हैं तुरंत आराम से, उधर फिर बिल्डिंग की छत से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, ये सब यही करते रहते हैं। साथियों और जितने भी बंदर हैं, जो ये देखिए आप सब, ये बंदर जो हैं अब इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, उस डाली से उस डाली, बस यही करते हुए आराम से उधर उस छत पे निकल जाएंगे सामने, और छत पे निकलने के बाद ये उधर से घूम के आराम से जब इनका मूड होगा फिर वापस आएंगे ये इधर ही। क्योंकि साथियों इनका सब रहन सहन सब जो भी है बस सब यहीं पर होता है, और ये मतलब परमानेंट यहीं रहते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं साथियों, जैसे अभी सर्दी चल रही है तो हम लोग को कितनी सर्दी लगती है कपड़े पहनने के बावजूद, और ये बंदर जो हैं बिना कपड़ों के आराम से ऐसे ही घूमते हैं, इन्हें किसी प्रकार की कोई सर्दी नहीं है। क्योंकि ये वो कहते हैं ना, श्री रामचंद्र जी की सेना है,
तो मतलब हर एक पक्षी पशु जो भी है, मतलब सभी बिना कपड़ों के रहते हैं, और सिर्फ इंसान हैं जो कपड़ों के साथ में रहते हैं और इतने कपड़े पहनते हैं फिर भी उन्हें सर्दी लगती रहती है। लेकिन और ये बंदर हैं, और भी जानवर हैं, और भी पशु पक्षी हैं जो भी हैं, उन्हें नहीं, क्योंकि उनका एक अलग सिस्टम होता है, इन्वायरमेंट उनका इनसाइड से ऐसा होता है कि उन्हें सर्दी जल्दी नहीं लगती, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, तो वो अपना पूरा एकदम सिस्टम बना के रखते हैं। ये उन्हें नेचुरली मिला हुआ है ये सब चीज़ें। एनीवे साथियों, जो भी है, सभी कुछ श्री राम की मेहरबानी है सभी पर, और मैं ये चाहता हूँ सभी पर बनी रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आप सब भी बोलते रहिए बस, जय जय श्री राम। वीडियो को लास्ट तक से देख लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना, वीडियो में कमेंट भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब तो 101% कर लेना साथियों। जय जय श्री राम। और साथियों, यहाँ पर चल रहा होता मंकी बेबी का फन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो बेबी है, इसके जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल से मतलब ओल्ड हो चुके हैं, बूढ़े हो गए हैं, और ये जो है आराम से उनके साथ में प्यार से मस्ती करता रहता है यहाँ पे। साथियों, ये पता नहीं क्या खा रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था। ये जो है इसका बाप है, बाप भी बिल्कुल बूढ़ा हो गया है, और ये देखो कहीं इधर जा रहा है कहीं उधर जा रहा है, एक अलग ही लेवल के नशे कर रखे हैं इसने। ये देखो अब यहाँ पर भी देख लो साथियों। और अब ये जो है इसकी मदर है, ये मदर, और ये इधर इसका फादर बैठा हुआ है। ये मतलब दोनों बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, और ये इनका जो बेबी है ये अलग ही मस्ती में रहता है। एनीवे साथियों, तो साथियों अब वीडियो को फिलहाल तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, और कुछ अलग से देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।